Morning, sir. Good morning, everyone. आज मैं आप लोगों को अरुणाचल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ये उत्तर पूर्व की बर्फीली चादर जो उड़ के रखा है वह है हमारा अरुणाचल। तो आप लोगों को मैंने आज एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, वो है पिलिगर हंटिंग। एक समय ऐसा था हमारे यहाँ हर प्रकार के जानवरों को देखने को मिलता। आज इलीगल हंटिंग की वजह से दिन ब दिन हमारे जानवर खत्म हो जाते हैं और देखने को नहीं मिलते। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज नई असाइनमेंट आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोगों को बस असाइनमेंट बनाना है और आप लोगों को वीडियो फुटेज के साथ बनाना है। आप लोगों को सिर्फ 1 वीक का समय दिया जाएगा और जो नहीं बना के आएगा वो नेक्स्ट ईयर एग्जाम में बैठने को मिलेगा। इट्स क्लियर? सुनो ना, बहुत बोरिंग है इस बार वीडियो सबमिट करना पड़ेगा बोल रहे, और बस्ती जाकर फिर से चक्कर लगाओ। क्या टॉपिक दिया है? इलीगल हंटिंग के बारे में। इलीगल हंटिंग? ओ ताई, तुम्हारा बस्ती का सामने एक बस्ती था ना, जहाँ पे ये एनिमल लोग को, जानवर लोग को मार के उसका मीट को टाउन पे सप्लाई करते है। कौन सा? वो वाला बस्ती? तसो? हाँ हाँ हाँ, वो बस्ती में कोई तुम्हारा जान पहचान है? जान पहचान? हाँ, एक दोस्त है, उसका नाम यानू है। यानू? मोटी यानू? अरे तुम जानते हो उसको? जानते ही तो, वो मेरा क्लासमेट था। अरे हाँ, उसका उधर तब तो जाना पड़ेगा। ओ तब तो बहुत अच्छा रहेगा। तब तो ऐसा करो ना, उसको कॉन्टेक्ट करो। चलो हाँ, हाँ, तो कॉन्टेक्ट आज ही उसको कॉन्टेक्ट करो। देर करते हैं। टिकट ले लिए क्या? नहीं, चलो। दीदी टिकट दीजिए तो। कैमरा है, धीरे से। हाँ, रात को ही बात हुआ था ताई, और एक बार कॉल करके बोलो ना, हम लोग आ रहे हैं। रुको रुको, कॉल कर रहे हैं। कितना दूर है? सामने झील ही है, उसको ही पार करना है। झील? हाँ सामने ही है, वहाँ पे ही है। चलो चलो, आया यही सामने तो है। चलो तुम भी ना।
बंदर बंदर देखो फोटो खींचो चलो। वाव बढ़िया। पता नहीं आजकल क्या हो गया, थोड़ा चलते तो बहुत थक जाता है। बस्ती इतना बदल चुका है, पहले तो यहाँ इतना बड़े बड़े पेड़ हुआ करता था, आजकल तो वो पेड़ ही नहीं है, पूरा काट कर खत्म कर दिया और आग जला दिया। अरे बुद्धू, पेड़ सिर्फ आग जलाने में काम नहीं आता है, तुमको पता है पेड़ घर बनाने में काम आता है, पेड़ से पेपर बनता है और पेड़ कई चीजों में काम आता है। वो तो हमको भी पता है, मेरा कहने का मतलब आजकल गच्ची जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है इसके कारण। हाँ तुम्हारा बात भी सही है, लेकिन सिंपल सा बात है, आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि हर दिन कुछ कुछ नया नया इन्वेंशन होते रहता है। मतलब पहले के जमाने में, पुराने जमाने में जब एक आदमी दो या तीन ही पेड़ काट सकते थे, अभी देखो अभी टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि एक दिन में 10 से 15 गच्ची काट सकते हैं। क्या था? शायद बंदूक का आवाज आई है। यहाँ में भी? शायद हो सकता है। चलो 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 चली चलो। कब से फोन कर रहा है, क्यों नहीं आया इतना देरी? आया नेटवर्क ही नहीं था वहाँ पे, तुमको मैसेज भी तो भेजा है, नहीं मिला है। होगा चोर, बहुत थक गया। माँ के गिर गया था गिरते रहता था और वही बात याद आती है। बेटा लो खाना साना पीना खा लिया क्या? जी अंकल खा लिया। खा लिया क्या सब्जी से खाया? हाँ हम मीट का साथ में खाना बना के खिला दिया। तुम लोग को पता चला था क्या क्या मीट था? नहीं अंकल क्या मीट था? जंगल से हम शिकार करके मीट लेके आया। टाइम पॉइंट अबू, ये लोग ना मेरा बचपन का दोस्त है, स्कूल में हम लोग एक ही साथ में पढ़ता था। हाँ कुछ काम के लिए आया था क्या? जी अंकल हम लोग कुछ काम के लिए आया था। क्या काम था? एक्चुअली अंकल हम लोग को यूनिवर्सिटी से असाइनमेंट दिया है, उसके लिए आपका हेल्प चाहिए। क्या हेल्प? हम लोग को यहाँ पे जो विलेज में जो पीपल है उन लोग को एक साथ गैदरिंग करना है और उसके बाद वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ बताना है। अच्छा तब तो ठीक है, कल हम गांवरा का घर में हम लोग बैठेगा। अबो ये लोग दिन भर जर्नी करके आए ना, बहुत थक गया होगा ना, तुम लोग भी थक गया होगा ना, चलो सोएगा। मैं भी कल सुबह बेटा लोग के लिए कुछ लाने सब्जी के लिए हम जंगल में जाना है। हाँ बहुत नींद लग गया।
पेड़ पौधा सिर्फ नहीं, यहाँ का जानवर को भी मार मार के खत्म कर दिया। ता सर, ये लड़की लोग कौन है? पता नहीं, वो कहीं शहर से आया बोले। शहर से क्या करने के लिए आया है? यह कुछ जंगल में रिसर्च करने आया बोले। रिसर्च? यह क्या रिसर्च मिलेगा? यहाँ हम लोग को हिरन सिरन जानवर नहीं मारने के लिए। पालतू बात करता है। अभी शाम को हो बस्ती जाएगा। हाँ हो बस्ती, घर का सामने सामने में हिरन लोग के मार के आएगा, होगा। ठीक है अंकल। सर अंदर है? बड़ा साहब तो नहीं है, छोटा साहब अंदर में है। आप दोनों को कुछ काम है, मिल लीजिए, जाइए जाइए। मैं कमिंग सर। हाँ आइए। बेटी है? थैंक यू सर। तो कुछ काम है क्या? जी सर। बोलिए। जी सर से मिलना था इंटरव्यू के सिलसिले में। इंटरव्यू हमसे तो नहीं होगा सर, अभी आने वाला है, सर को कॉल कर देता है। जी हाँ। हेलो। हेलो। हाँ सर, आपको कोई मिलने आया इंटरव्यू? हाँ मैं ऑफिस अभी पहुंच जाऊंगा। ठीक है ठीक है, सर आ रहा है, आप लोग इंटरव्यू लेना है सर से। आप लोग बेटिया अभी पहुंच रहा है। ओ सर आ गया आ गया। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। आप लोग आगे बैठिए ना। हाँ बोलो, अभी क्या काम था? सर मेरा नाम रेनू है और ये मेरे फ्रेंड ताई है। हम दोनों वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से आए हैं। हमें असाइनमेंट दिया गया है इलीगल हंटिंग के ऊपर, तो उसके लिए हमें आपका थोड़ा हेल्प चाहिए। हेल्प? मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? सर हम आपसे इंटरव्यू लेंगे जो कि इलीगल हंटिंग के ऊपर होगा, तो आपसे कुछ सवाल हम पूछेंगे। ऐसे इंटरव्यू देने के लिए तो मैं रेडी हूँ, लेकिन कैमरा में बोलना जरूरी है क्या? हाँ सर, हम लोग को इस बार ये प्रोजेक्ट जो वीडियो के से सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ इधर उधर नहीं होगा तो? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। तब तो ठीक है। हाँ क्या पूछना है पूछो। ताई कैमरा रेडी करो। ये ले जाओ जी। और बीट ऑफिसर को दे दो जल्दी। ठीक है सर। ताई कैमरा रेडी है ना? हाँ रेडी, तुम स्टार्ट करो। तो सर आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? करीब 10 सालों से, पहले मैं दूसरा रेंज में था। तो सर सीधा मुद्दे पे आते हैं। हाँ। जैसे कि पिछले साल के रिसर्च के अनुसार यहाँ पे काफ़ी इलीगल हंटिंग का केसेस रजिस्टर हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो इलीगल हंटिंग सिर्फ यहाँ होता है ऐसा कोई बात नहीं, सभी में होता है, सब बस्ती में होता है, लेकिन वो बात अंदर अंदर ही रहता है, अंडरग्राउंड रहता है और लोगों को पता नहीं चलता है। तो क्या सर इसके बारे में कोई कुछ नहीं करता है? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम बहुत सारा रूल बनाया है, लेकिन बस्ती वालों को कौन समझाएगा? उनको जब समझाने जाओ तो झगड़ा करने के लिए निकलते हैं। सर तो बड़ा बड़ा ऑफिसर कुछ नहीं करता है इस बारे में। बड़ा बड़ा ऑफिसर क्या करेगा? देखो बस्ती वालों को जैसे कि इनडायरेक्टली ये बड़ा बड़ा लोग ही हेल्प करता है। कोई कोई बोलता है मुझे जंगली जानवर जंगली मीट ला दो, कोई बंदर भी खाता है चिड़िया भी खाता है। धीरे धीरे से ये बस्ती के अंचल में वो जो फॉरेस्ट है वहाँ जंगली जानवर एटलीस्ट चिड़िया भी अभी आजकल नहीं मिलता है। क्या बोलूँ, मन में बहुत दुख होता है। सर यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों नहीं करते? अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनजीओ लोग बस्ती बस्ती जाकर बहुत किया। यहाँ का बस्ती वालों को कौन समझाएगा? वो लोग खुद आके हमको जंगली जानवर देते हैं, उन लोग का घर में उन लोग का बस्ती में हम लोग को मीट खाने को बुलाता है। और क्या कहूँ, अभी जंगली मीट खाके खाके हमारा कुछ आदत जैसा हो गया है।
बस्ती वाले तो अनपढ़ है, ज्यादातर पढ़ा लिखा नहीं है। आप तो एक ऑफिसर है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बहन, मैं नहीं लूँ तो क्या हुआ, बड़ा बड़ा आदमी लोग तो लेते हैं। पहले तो सब ठीक था, उनका पास हथियार नहीं था। अब तो हर गांव में, हर बस्ती में हथियार आ गया है। वो लोग शिकार करने के लिए हथियार लेके जाते हैं, और जो गोली है वो शहर से वो लोग भेजते हैं। गांव वाले भी खुश और शहर वाले भी खुश, मुफ्त में मीट मिलता है। पैसा आदमी को कहां से कहां ले जाता है। ये शिकारी लोग को उनके ऊपर थोड़ा भी दया नहीं आता है। दया? घोड़ा कभी घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। बस्ती में ऐसा कोई भी लोग है जो शिकार करके अपना पेट चलाता है, अपना घर चलाता है। नॉर्मल दिन तो छोड़ो, कभी कभी फेस्टिवल में वो मीट का लाइन लग जाता है, कंपटीशन होता है। तो सर क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, तो तुम्हारा मेला में हर जानवर का दाम दूसरा दूसरा, चिड़िया का दाम इतना है तुम सोचो मत, बहुत दाम है। हम लोग रोकना चाहते हैं चेकगेट में, लेकिन वो इतना चालाक है बस्ती से निकल जाता है, हम क्या करें। हाँ सर, जब हम लोग आपके पास आ रहे थे तो हम गले में देखी कि बहुत सारे जंगल की ओर छोटे छोटे रास्ते भी बहुत थे, और जब हम दोनों वहाँ जंगल की ओर बीच पे थे तो देखा तो वहाँ एक भुंडूक का आवाज सुनाई दिया। हाँ। आप लोग जितना कोशिश कर लो, इल्लीगल हंटिंग रोकना इतना आसान नहीं है। हाँ सर, हम लोग को भी लगता है कि ये इलीगल हंटिंग कभी खत्म ही नहीं होगा। ताई चुप बैठो। ठीक है सर, आपसे जितना भी इन्फॉर्मेशन मिला काफी अच्छा है, लेकिन मेरा चेहरा वो वीडियो में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने देख लिया तो मेरा नौकरी भी जा सकता है। नहीं सर, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वेलकम। थैंक यू सर। ता सर, वो गांगबुरा का घर में मीटिंग था ना। हाँ, तुम जाएगा क्या? क्या करने जाएगा, क्या का मीटिंग बोल रहा है? वो हम लोग को जंगल में शिकार करने के लिए मना कर रहे हैं। शिकार मत करो, हिरन सिरन मत मारो, ऐसे बोल रहे हैं। क्या है वो, हम शिकार नहीं करने से उसका मेरा बीबी बच्चा क्या कहेगा? पालतू बात करता है, सुनने मन नहीं है। चलो जाएगा। चलो। गाँव बुरा कहाँ पे? गाँव बुरा घर में है। तुम लोग का काम हो गया क्या? हाँ जी अब वो हो गया। नमस्ते, सब लोग का गया, सबको हम बुलाया था। चलो चलो शुरू करो, हम भी बस्ती जाना है हमको। वैसे और भी कोई आने वाला है? हाँ आएगा तो। हाँ आएगा, ठीक है आने दो। अब बताओ गांव वालों को किसलिए बुलाया है? गांव वालों को इसीलिए बुलाया है क्योंकि हम लोगों का बड़ा मकसद है। मकसद क्या है? आपको बेटी लोग कुछ बात करने बोल के आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, और जल्दी करने से दिखे रे, हमको जंगल जाके लकड़ी बुकना है। ताई सब ठीक है? हाँ हाँ, हम खींच रहे। ओ लड़की, क्या कजंग मजंग हो रहा है, जल्दी करो जी। हाँ होगा। नमस्ते आप सभी को। आप लोग यही सोच रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तो हम दोनों यूनिवर्सिटी से आए हैं, तो ये इस गांव के बारे में, इस बस्ती के बारे में असाइनमेंट हमें दिया गया है। तो असाइनमेंट के दौरान इस बस्ती के बारे में जब देखा तो यहाँ का हालात काफी गंभीर है, काफी खराब है। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो आप लोगों का आने वाला पीढ़ी बहुत ही तकलीफ होगा। तकलीफ? क्या तकलीफ? आप लोग कभी सोचा है कि आप लोग का इस गांव में चिड़िया जानवर क्यों दिखाई नहीं देता है? नहीं पता है।
क्योंकि आप सभी लोग हमेशा शिकार करते रहते हैं। ये उसी का नतीजा है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन ये पूरा जंगल खाली हो जाएगा। हाँ तो पहले तो शिकार करने के लिए बहुत आसान से मिलता था, आजकल दूर जाने से भी नहीं मिलता है। हाँ नहीं मिलता है तो कहाँ से मिलेगा, सबको तो मार दिया है। देखिए आप सब लोग सोच भी नहीं सकते हैं इससे एनवायरनमेंट में कितना प्रॉब्लम होता है। एनवायरनमेंट नहीं, वातावरण बोलो तब समझेगा। जैसे कि वातावरण से प्रॉब्लम होता है। थोड़ा सा रुको, लो इसको देखो। आप लोगों के यहाँ में जैसे कि काफी ऐसा जानवर है जिसका होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आप लोगों का चिड़िया जो कि खेत पे होता है। तो आप लोग सोचते हैं कि चिड़िया जो खेत पे रह के वो खा देता है, धान को खराब करता है, बट वो ऐसा नहीं है। चिड़िया जो आपका धान को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे जो कीड़ा होता है इंसेक्ट, उसको वो चिड़िया खाता है। तो उसी चिड़िया का वजह से आपका जो धान है खेत है वो बच जाता है। ये क्या बात होता है, ये तो दवा फेंकने से मर जाता है ना। हाँ आप बहुत सही बोला है, उससे कीड़ा तो मर जाता है, लेकिन आप लोग कभी सोचा है कि उससे आप लोगों का यानी कि हम लोगों का शरीर को कितना नुकसान पहुंचता है। मानते हैं कि जानवर बेजुबान है, पर जैसे हम लोग अपना फैमिली का साथ रहता है, उन लोगों का भी एक फैमिली है। वो नहीं बोल सकता है, लेकिन उनका भी बच्चा है जैसे आपका बच्चा है, उनका भी बीबी है जैसे आप लोगों का बीबी है। तो वो बेजुबान है और हम बोल सकते हैं। तो इसी तरह जानवरों को अगर हम पाल नहीं सकते तो हमें मारने का भी हक नहीं है। तुम हमको खाने देगा क्या, क्यों फालतू बात करता है हा? आप लोग जानवर बिना मार के भी तो रह सकते हैं। क्या जीने के लिए जानवर मारना जरूरी है क्या? तुम कौन है मना करने वाला, मेरा पिताजी के पिताजी हमको मार के खिलाया है। अबू यानू देखिए यही सोच को तो बदलना है। पढ़े लिखे लोगों को तो पता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। क्या पढ़ा लिखा बोलता है, सब पढ़ा लिखा लोग जंगल में जानवर को सब खत्म कर दे रहा है। आ तो कहाँ से पालतू पालतू बोलने आता है यहाँ में। उसका बात को सुन सुन के दिमाग ही खराब हो गया मेरा। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, अगर आप लोग शिकार करते वक्त पकड़े गए तो आप लोगों को जेल के साथ ही साथ जुर्माना भी भरना होगा। क्या तुम हम लोगों को जेल भेजने के लिए आए हैं क्या? ऐसे पलतू पलतू बात करेगा तो कैमरा को तोड़ देगा दे। देखिए अगर आप लोग ऐसे ही बोलेगा तो हम लोग फॉरेस्ट ऑफिसर को कंप्लेन कर देगा। ओए रुको 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 रुको, हम गमरा इधर है, शांत रहो, सब शांत रहो। गांव वालों ये लड़की सही बोला है, ये दोनों सही बोला है। हम लोग का बस्ती में पेड़ पौधे कम है और जानवर नहीं है, गायब होते जा रहा है, इसीलिए हम सब मिलके बस्ती बस्ती में हम लोग मीटिंग बैठाएंगे। हाँ बात ठीक है, हम लोग कल परसों मिल लेंगे। चलो 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 चलो। वो कौन है? वो ना हम लोग का बस्ती का तालू बोल के वो है। तालू वही शिकारी? हाँ। लेकिन वो रो क्यों रहा है? एक्चुअली ना उसके साथ कल रात बहुत बड़ा हादसा हो गया। हादसा होगा, चलो देरी हो रहा है, निकल जाएगा। चलो चलो। वैसे तुम उस बात को इतना क्यों सोच रहे? आया उस इंसिडेंट का बात ना, मेरा दिमाग सीरियसली कुछ काम ही नहीं कर रहा है।
छोड़ो छोड़ो इस बात को। एक काम करेगा, चलो ना हम लोग प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट को दे देगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने अपना करियर के बारे में सोचो, एक साल रुकना पड़ेगा। लेकिन किसी को तो यह जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा ना, चाहे गवर्नमेंट को दो या आम आदमी को। अरे छोड़ो छोड़ो, कुछ दिन के बाद हो जाएगा। होगा, चलो चलो। सर सॉरी। व्हाट सॉरी, प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया? सर मैं क्या, मैं अगले साल तक रुकना पड़ेगा आपको। सॉरी सर। जाओ। मैं कम इन सर। कम इन, सिट डाउन। थैंक यू सर। आप दोनों का प्रोजेक्ट हो गया? जी सर। सबमिट किया? अभी जस्ट डिपार्टमेंट में सबमिट करके आया। वेरी गुड। कोई कोई तो यहाँ प्रोजेक्ट सबमिट ही नहीं किया। रेनू आप इतना सेट क्यों हैं? सर कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है सर, एक्चुअली बस्ती में गया था तो सर इंसिडेंट हो गया। हाँ क्या इंसिडेंट? सर वहाँ पे ऐसा हुआ, सर जब हम लोग बस्ती से वापस आ रहा था तो वहाँ पे ऐसा कुछ इंसिडेंट देखा है कि हम बहुत सर इमोशनल हो गया। सर तुम इसे जाओ। हाँ हम इसे जाता है, आज कुछ ना कुछ तो मिलना पड़ेगा, एक होरिन तो मरना पड़ेगा। हाँ सर उतो ना, तसर उतो ना, तसर क्या हो गया, उतो ना। ओह सो सैड। इसलिए तो बोलता है हमारा आदमी को अवेयरनेस रखो बोल के, तो इस दुनिया में जानवर ही नहीं रहेगा तो इंसान भी तो नहीं रहेगा ना। हम काम बुरा का घर जाना चाहिए था, इस दिन का बात मानना चाहिए था, ये बुंडू का वजह से सब कुछ हुआ है। ये बुंडू को हम कभी भी नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा। मैं कान पकड़ता हूँ, आज से मैं शिकार कभी भी नहीं जाऊंगा। मेरा दोस्त को शिकार समझ के हम मार दिया।